विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया है। हमारे साथ हैं पूर्व मंत्री और भाजपा के विधायक रणधीर सिंह। रणधीर जी, हालांकि आप लोगों ने तैयारी कर ली है, विरोध नहीं करेंगे, लेकिन कह रहे हैं कि सरकार को आईना भी दिखाएंगे। निश्चित रूप से जिस तरह से बिल ये लेके आया गया है, भारतीय जनता पार्टी शुरू से 32 का पक्षधर रही है और हम चाहते हैं कि खतियान आधारित, पूरे झारखंडियों का खतियान आधारित नीति बने। लेकिन माननीय बाबूलाल मांडी जी ने 2002 में 1932 का खतियान को स्थानीय राजनीति परिभाषित करने का प्रयास किया था, जिसको कोर्ट ने टर्न अप कर दिया। जिन विषयों को लेकर कोर्ट ने पॉइंट आउट किया था, उन विषयों को संशोधन हेमंत जी ने नहीं किया। अब मुझे लगता है आनान फनान में ये बिल को लाया गया तो झारखंडी जनता के साथ कहीं ना कहीं धोखा है, क्योंकि फिर विधानसभा पारित करने से नहीं होगा। 9वीं अनुसूची में कैसे शामिल हो, ये भाषा का पई फेंक रहे हैं, जबकि इनको यही करना चाहिए। रघुआ दास जी ने निजो नीति बनाया, स्थानीय नीति बनाया था 1985 को, तो यहीं से पास कर लिया था उसको, भाषा को नहीं भेजा था, इनको यहीं से करनी चाहिए थी। ये तो गेम कर रहे हैं, भाषा तो भेजेंगे। क्या लगता है कि इन दो मुद्दों को लेकर आरक्षण और स्थानीय नीति को बुला आज जो सत्र जो आहूत किया गया है, क्या इसको इसे अपनी निरर्थक मान रहे हैं? नहीं, निरर्थक कभी, ये जनता को झारखंडी स्वाधीन को जनता को गुमराह करने का एक प्रयास है, क्योंकि ये जाके मामला कहीं कल कोर्ट में फंस जाएगा तो फिर मामला झारखंडियों को लाभ तो नहीं मिल पाएगा। 9वीं अनुसूची में अगर शामिल नहीं हुआ तो झारखंडियों को लाभ नहीं मिल पाएगा। वहीं दूसरी ओर देखें तो अगर 70% आरक्षण की, हम लोग पिछड़ा का समर्थन हम लोग सभी लोग हैं, 1952 मंडी जी ने 73% आरक्षण दिया था, जिसमें पिछड़ों को 70% भेजने का काम वही कोर्ट ने टर्न अप हो गया था। सब आप एक देखें, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं हो सकता है। अगर हम पढ़ाते हैं तो उसका आर्थिक आधार पर सर्वेक्षण होना चाहिए था, जो रघुआ दास जी ने आदेश दिया था 2019 में। उन सभी 24 जिलों का रिपोर्ट मंगा कर फिर पूरा प्रक्रिया का पालन करके पूरा पुख्ता प्रमाण के साथ ही आगे बढ़ते तो कल कोर्ट में भी नहीं गिरता ये मामला और 9वीं अनुसूची में शामिल भी हो जाता है भाषा का पास। तो ये कहीं ना कहीं गुमराह करने का प्रयास है। फिर भी हम लोग झारखंडी हितों को, झारखंड भावनाओं को ख्याल में रखते हुए पिछड़ा आरक्षण और 32 हथियार के साथ हम लोग। तो ये थे रणधीर सिंह, और इनका मानना है कि सरकार की ये गुमराह करने वाला कदम है, लेकिन फिर भी ये इसका विरोध नहीं करेंगे। सहयोगी पूजा के साथ निलय सिंह, लाइव लगातार रांची।